हेलो बच्चों, दिस इज काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों, लास्ट क्लास हमने देखा था एक चैप्टर जिसका नाम था इन द पार्क। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड जिसका नाम है इन द पार्क, हम उसकी एक्सरसाइज पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट से। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चन, क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, ए नंबर, वेयर डिड आलोक एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो। तो आलोक और उसके फ्रेंड कहाँ पे जाने का डिसाइड कर रहे थे। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे कि कहाँ पे डिसाइड कर रहे थे वो जाने के। दे वेयर डिसाइडेड टू गो इन टू द पार्क। कहाँ पे? पार्क जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? पार्क जाने के लिए डिसाइड कर रहे थे। तो ए का आंसर हमारा हो जाएगा पार्क। फाइन, वी नेम एनी टू राइड विच यू कैन फाइंड इन द पार्क। तो अभी हमने देखा, एक तो था सीसो एंड द नेक्स्ट वन वॉज मैरी गो राउंड। सीसो एंड द मैरी गो राउंड। ओके, थर्ड आ जाता है मेंशन द थिंग्स दैट विच कैन बी सीन इन द पार्क। ठीक है, जो हम देखते हैं और जो हम इस स्टोरी के थ्रू देख कर आए हैं, हमने देखा था कि क्या क्या आपको मिल सकता है पार्क में। एक तो स्विंग मिलते हैं, ठीक है, सेकंड आपको बटरफ्लाई, इंसेक्ट, बटरफ्लाई, इंसेक्ट, ग्रीनरी, ये क्या है, यही सब चीज़ें आपको मिलती हैं पार्क में। तो ये हमारे सी का आंसर हो गया। थर्ड वाला आ जाता है डी वाला, फोर्थ, वेयर डिड वॉट वेयर द किड्स डूइंग इन द पार्क। इसका आंसर हो जाएगा द किड्स वर प्लेइंग एंड एंजॉइंग। क्या कर रहे थे एंजॉय? मैरी गो राउंड और क्या एंजॉय कर रहे थे? सीसो। क्या एंजॉय कर रहे थे? सीसो। ये वो लोग एंजॉय कर रहे थे। अब आ जाता है हमारा ई, व्हाई डू चिल्ड्रन लव टू विजिट अ पार्क। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपको खुद से देना है। इसका मतलब क्या है कि चिल्ड्रन को पार्क में जाना क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज वहां पे क्या होता है, एक तो ग्रीनरी होता है ऑल अराउंड, ठीक है, सेकेंड स्विंग होते हैं, मेन रीजन इज दिस ओनली, ओके, ओपन स्पेस होता है जो कि चिल्ड्रन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई दे लव टू विजिट अ पार्क। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एफ नंबर, हु वॉज सिंगिंग स्वीट सॉन्ग इन दी पार्क। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कौन सिंग कर रहा था, इंसेक्ट नो, बटरफ्लाइज नो, एनिमल्स नो, बर्ड्स यस। तो कौन सिंग कर रहा था? बर्ड्स वेयर सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा एफ का हो गया। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन, इसमें क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिविंग इन द बॉक्स एंड कंप्लीट द कंपोजिशन। अब क्या है, इस बॉक्स में आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, आपको इसी से रिलेटेड वर्ड्स आपको फिल करने हैं। ठीक है, डैश अ पेट, इट डैश अ डॉग, इट्स कलर इज। ठीक है, तो अब इसमें देख लो क्या हो जाएगा, पहले तो क्या हो जाएगा, इट इज अ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, क्या आ जाएगा, इज, जो हमको पहले इजी दिख रहा है वो भर लेंगे हम। इट्स कलर इज, तो कलर क्या हो जाएगा, एक ही कलर दिख रहा है, क्या है, ब्राउन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्राउन। ठीक है, ये अभी हम रहते रहने देते हैं, हम खुद से देखेंगे क्या आ जाएगा। अब है इट हैज, क्या हो जाएगा, इट हैज फोर लेग्स एंड वन टेल, तो क्या हो जाएगा, वन लिटिल टेल। ठीक है, इट शोज इट्स फीलिंग बाय वेगिंग इट्स टेल। ठीक है, कैसे शो करता है उसकी फीलिंग, कैसे शो करता है, टेल को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेल, मैं बाकी रब कर दे रही हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
टेल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव अ, मिल गया आंसर, आई हैव अ। ठीक है, मेरे पास, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है, ये है, मैं आपको ग्रामर पोर्शन में कंप्लीट करा दूंगी। इट इज वेरी, क्या होगा, सोचो क्या होगा, ब्राउन, टेल, हैज, हैव। इट इज वेरी, क्या हो जाएगा, डेस टू मी, फेथफुल टू मी, क्या हो जाएगा, फेथफुल टू मी, फेथफुल टू मी। इट डेस एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी। ठीक है, तो अजनबी जब भी देखते हैं तो डॉग क्या करता है, बार्क करता है, क्या करता है, बार्क, भौंकता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा, इट डेस एवरीथिंग आई गिव टू हिम, वो क्या करता है, इट ईट्स, वो सब कुछ खा लेता है जो मैं उसको देता हूँ, ईट्स आ गया। देखो, हमें खुद से बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप स्टोरी को पढ़ोगे तो आपके मन में क्या आते रहेंगे, आपके माइंड में वर्ड्स आते रहेंगे। आई डेस माई पेट वेरी मच, तो क्या हो जाएगा, आई लव माई पेट। ठीक है, तो देखा हमने कि बिना बॉक्स के भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ करके। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, आई हैव, क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आई हैव अ पेट, इट हैज, इट इज, आई हैव अ पेट, इट इज अ, इट इज अ डॉग, इट्स कलर इज ब्राउन। फर्स्ट का ये हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड पोर्शन में। इट हैज फोर लेग्स एंड वन टेल। ठीक है, यहाँ पे कोई मिसप्रिंट है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग दी गई है। फिर आ जाता है, इट शो इट्स फीलिंग बाय वैगिंग इट्स टेल। ठीक है, वो फीलिंग कैसे, वो अपनी पूंछ को हिलाकर अपनी फीलिंग शो करता है। इट इज वेरी फेथफुल, फेथफुल टू मी, इट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, इट ईट्स एवरीथिंग आई गिव टू हिम, आई लव माई पेट वेरी मच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा कि कैसे इसके क्वेश्चन आंसर किए, फिर इसकी फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।